अभी ताज़ा है बहुत घाव बिछड़े जाने का, घेर लेती है तेरी याद सरे शाम अभी। एक नज़र और इधर देख मसीहा मेरे, तेरे बीमार को आया नहीं आराम अभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल खैरियत से हैं। आज 8 मार्च है, मंगल का दिन है और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सुबह अलार्म नहीं बजा और मैं देर से उठा, तो फिर मैं आराम से ही तैयार होकर निकला हूँ। मैंने कहा चलो अब लेट तो हो ही गए तो थोड़ा सा इत्मीनान से जाते हैं, तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए। तो जी आज ऑफिस जा रहा हूँ और वही एज यूजल अपनी गाड़ी होंडा सिटी ब्लैक कलर जिसको आपने हमेशा देखा है, इसमें जा रहा हूँ। और लेकिन आज जो है वो एक ख़ास बात है और वो ये है कि आज मेरी गाड़ी तब्दील होने वाली है इंशाअल्लाह ताला, और मैं जा इस गाड़ी में रहा हूँ और वापसी मेरी दूसरी गाड़ी में होगी। अब वो कौन सी गाड़ी होगी वो भी आप देखें। नई गाड़ी आ रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कंपनी की तरफ से, मेरी अपनी नहीं है, ये भी मेरी ज़ाती गाड़ी नहीं है, ये भी कंपनी की तरफ से दी गई है। और जो दूसरी आने वाली है वो भी कंपनी ही की तरफ से दी जा रही है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है जी, और फिर अगर वो आज शाम में जब मैं इंशाल्लाह उसको लेकर आऊँगा, फिर बच्चों के साथ कहीं जाएंगे बाहर उस गाड़ी में घूमने घूमने। तो क्या रात देर हो चुकी होती है उस वक्त तक, जब तक बच्चे सबक वगैरह याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं अपनी, अब्दुल्ला ज़ाहिर हिफ्ज़ कर रहे हैं तो उनको भी टाइम लगता है अपना सबक याद करने में। तो उसके बाद फिर डिनर के लिए कहीं निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, हमारे साथ रहें। एक अच्छी खुशखबरी है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और जो लोग हमें प्यार करते हैं ज़ाहिर है उनके लिए भी। और वो खुशखबरी ये है कि आज मेरी नई गाड़ी आ गई है। जी हाँ, पुरानी गाड़ी जो आपने देखी थी होंडा सिटी, जो मेरे पास काफ़ी अरसे से थी और पिछले 4-5 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा था, वो भी कंपनी की दी हुई थी और ये भी कंपनी की है। तो वो फाइनली कंपनी ने चेंज की है और मुझे अभी दी गई है ये टोयोटा यारिस। और बस अभी अभी मैंने ये गाड़ी ली है और मैं अभी घर जा रहा हूँ। मोहम्मद को जो है वो मैंने बताया है और उन्होंने ये सीक्रेट रखा हुआ है, अपनी मम्मी को और भाई को नहीं बताया कि हमारी गाड़ी चेंज हो गई है, अभी हम घर जाएंगे तो सबके लिए सरप्राइज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नई गाड़ी जो है वो दिखाते हैं अपनी फैमिली को और फिर रात में इंशाल्लाह इसकी सेलिब्रेशन के तौर पर हम लोग बाहर खाना खाने भी जाएंगे। और जनाब एक और भी खुशखबरी है, वो छोटी खुशखबरी है लेकिन वो शाजिया के लिए बड़ी खुशखबरी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है कि आज है विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे है, जो कि हमारी कंपनी के अंदर सेलिब्रेट किया गया और हमारी कंपनी में जितनी भी फीमेल स्टाफ है उन सबको कंपनी की तरफ से गिफ्ट दिए गए हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि हमारे ओनर हैं कंपनी के, उन्होंने मिल के ये चीज़ प्लान की और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है माशाल्लाह। और ये गिफ्ट ना सिर्फ उन्होंने फीमेल स्टाफ को दिया है बल्कि ये एक बड़ा सा गिफ्ट है और इसके अंदर बहुत कुछ है लेडीज़ के हवाले से। तो ये हमारे जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में जितने भी, उन सबको भी दिया गया है उनकी वाइफ्स के लिए। तो ये तमाम हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स की बीवियों के लिए ये गिफ्ट दिए गए हैं और अभी घर जाके इसको खोलेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या मिला है मेरी प्यारी बेगम शाजिया ज़ुल्फ़िकार को। हाँ जी, तो मैं घर पहुंचने वाला हूं, बस मिलेनियम मॉल ये रहा इसके सामने से गुज़र रहा हूं और अभी मेरी फैमिली आ रही है सामने। मोहम्मद ने सबको सरप्राइज़ देना है, यानी कि वो मम्मी को और भाई को लेकर आएगा नीचे मस्जिद के पास। मैंने बोला आ जाएं बिल्डिंग में ताकि वो लोग आएं और उनके सामने एकदम से गाड़ी आए, एंड देन मोहम्मद विल से सरप्राइज, ऐसे करके मोहम्मद बोलेंगे। तो सबको सरप्राइज दे रहे हैं जी मोहम्मद, सरप्राइज। ये हमारी न्यू यारिस आ गई, सरप्राइज। वालेकुम अस्सलाम, हमारी न्यू यारिस आ गई। वालेकुम अस्सलाम, आपकी न्यू कार। आओ अंदर बैठो।
हाँ बेटा आज मेरे मुबारक हो। खैर मुबारक आप लोगों को भी बहुत, आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक आपने हमें सरप्राइज दिया। अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। ये हमें बता नहीं रहा था कि क्या कहाँ लेकर जा रहा है। मैंने मोहम्मद को हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम सरप्राइज देंगे। माशाल्लाह तो ये है हमारी नई गाड़ी माशाल्लाह। आओ ना बैठो ना मोहम्मद जी। अब्दुल्ला जी अभी बैठो हैं? अभी नहीं ऐसे ही जरा बैठो। मेरे लिए गिफ्ट आया है जी इनके ऑफिस की तरफ से वुमेन डे पे। और ये मोहम्मद ऑलरेडी जाके बैठ चुके हैं अंदर। कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चले बहुत मुबारक हो आप सबको। और ये इसके बैग पे लुक के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंतज़ार करवाया पर अब ये गाड़ी आ चुकी है। बाकी डिटेल जैसे कार साहब भी बताएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और उसके जाने का भी जरा दुख है। हाँ वो गाड़ी ने बहुत अरसा हमारे साथ बहुत साथ दिया है, तकरीबन बहुत टाइम गुजारा है और बहुत 5 साल ना। हाँ और पूरा पाकिस्तान वो हमारे साथ घूमी और कहाँ कहाँ गई है उसने, कैसा कैसा वो रही है हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कह रहा था कि ये लाइट जलाने के लिए ये होती है, ये सही है। और ये डोर के साथ खुलेगी बंद होगी बाकी। और ये कौन सा मॉडल है? ये यारिस का है GLI 1.3 लीटर ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक गियर्स हैं इसके। 2021 पिछले साल की है। हाँ पिछले साल। अच्छा हमारी वो प्रोटॉन आनी थी ना, उसका क्या हुआ? प्रोटॉन वाले असल में बहुत डिले कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे। वो बुक थी और वो अभी भी बुकड है, लेकिन वो उन्होंने पहले हमने जुलाई में बुक किया तो उन्होंने बोला कि हम आपको अक्टूबर में दे देंगे, फिर नवंबर में दे देंगे, फिर दिसंबर, फिर फरवरी, फिर मार्च, और मार्च में आगे बोल रहे हैं कि हम आपको कोशिश करेंगे कि हम मई के एंड में दे दें, मई के एंड तक दे दें। तो वो इतना डिले हो रहा था, फिर बॉस ने कहा कि चलो एक काम करें अब उसको छोड़ दें, वो आएगी गाड़ी तो उसको कंपनी बेच देगी, ऑन के ऊपर बिक जाएगी। और ये गाड़ी मुझे दे दी है। ये को पहले ही पसंद थी। और मैंने बॉस से पहले बोला था कि मुझे यारिस दें, प्रोटॉन ना दें। उन्होंने कहा था नहीं यार अभी यारिस का प्रोटॉन बुक करवा लो बाद में देखेंगे। तो प्रोटॉन बुक हो गई थी और मेरा दिल यारिस पे ही था। तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो दुआ चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। मेरी फैमिली एक्साइटेड है माशाल्लाह। और मेरे बच्चे भी एक्साइटेड हैं। ये रे मामा जी भी और अब्दुल्ला जी भी। शुक्रिया आपके ऑफिस वालों का कि उन्होंने गिफ्ट भेजा मैं वुमेन डे पे। हाँ ये बहुत बड़ी, मैं खुद भी बड़ा खुश हुआ देख के माशाल्लाह इतना बड़ा। नीचे चले मैंने कहा नीचे क्या है, कहते हैं मुझे ये तो था कि डिनर पे जाना है, आज आपने पकाने कुछ नहीं दिया तो मैंने से कि नीचे क्यों जाना, कहते चले ना एक सरप्राइज है। मैंने कहा बस तुझे कपड़े भी नहीं मैंने चेंज किए, कहते जैसे है ना वैसे चले, तो इसलिए मैं ऐसे ही आ गई जी। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने गाड़ी दी है। और अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको सेट करते लगाते क्योंकि पार्किंग में खड़े थे दूसरी गाड़ी को भी। अब ये ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर दो पार्टीशन दी हुई है इन्होंने, इसके अंदर इसकी और देखेंगे बाद में क्या कुछ है। और ये इसके कवर्स हैं मेरा ख्याल है, ये कार्डबोर्ड सॉकेट के। और मैं तो ये अपना वैनिटी मिरर देखती हूँ। मैं तो ये वैनिटी मिरर अच्छा, इसमें दोनों तरफ वैनिटी मिरर है, मैं भी खूबसूरत लग सकता हूँ। तो बच्चों आप खुश हो? अब्दुल्ला आप खुश है जी? अब्दुल्ला आप बहुत ज्यादा माशाल्लाह से। तो चले फिर चलते हैं। और आज आप हमें कहाँ कहाँ ना खिलाने वाले? अभी नहीं, अभी तो खैर काफी टाइम, अभी हम घर पे जाएंगे पहले जरा वो हो जाऊँ, ये गिफ्ट भी ऊपर ले जाते हैं। हाँ जी। और फिर उसके बाद चलते हैं खाना खाने। आप लोग डिसाइड कर लो कहाँ जाना है, जहाँ बोलोगे वहाँ पे चले जाएंगे। सल्तनत। और ये ऑटोमेटिक है जी, और मुझे भी ऑटोमेटिक बहुत पसंद है। खैर मैं तो मैनुअल भी चला लेती हूँ और ऑटोमेटिक भी चला लेती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चलाती गाड़ी। नहीं मैंने काफी अर्से से शादी ने नहीं चलाई, लेकिन अब ऑटोमेटिक है तो इंशाल्लाह हाईवे वगैरह पे इस पे चलवाएंगे। नहीं वो एक बार तो चलाएगी, एक दफा तो मैं चलती हूँ ना जायका। बाकी उसके बाद ये है कि अब जो है ना वो गाड़ी चलाने का इतना शौक नहीं है। चले चलते हैं गाड़ी को पार्किंग पे लगाते हैं, ऊपर चलते मिलते हैं आपको जी घर पे इंशाल्लाह। हमारी गाड़ी है। अच्छा यकीन नहीं हो रहा, चले आ जाए। हाँ जी तो बेगम का गिफ्ट फ्रॉम चेज वैल्यू मैनेजमेंट की तरफ से और पहुंच चुका है हमारी बेगम तक। मैंने इनको दे दिया था गाड़ी में आपने देखा, और अब जरा इसकी अनबॉक्सिंग करेंगी और ये देखेंगी और बताएंगे कि इसमें मिला क्या कुछ है इनको।
कुछ कहना चाहोगी? सबसे पहले तो आपके ऑफिस वालों का शुक्रिया कि उन्होंने इस दफ़ा बेगमात को याद रखा है, और दूसरा ये कि गाड़ी के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारक हो, और सबसे पहले अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह पाक ने खुशी देखनी नसीब फरमाई है। और माजरत चाहूँगी अपने बहुत सारे बहन भाई जो है वो वेट कर रहे होंगे कल भी वीडियो का, परसों भी वीडियो का और आज भी वीडियो का, लेकिन बस मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई, तो ज़ुल्फ़िकार साहब ने आज ब्लॉग आई थिंक स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी बच्चों ने एंड करना है इंशाल्लाह ताला। मैं खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने खुशी दी है, और अल्लाह पाक का शुक्र है लाख लाख, और आपका भी शुक्रिया कि सब जो है वो फिर आपकी बदौलत हम तक पहुँचता है। तो चले जी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकलता है इसमें से। और ये जी रिबन यहाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेट कितनी प्यारी है, अगर मेरी छोटी बेटी होती तो उसकी फ्रॉक बन जानी थी। सही बात है, सही बात है। अभी हम इसको मोहम्मद को फ्रॉक बना के पहना देंगे ईद पे। हाँ, शुक्र है वो नहीं, मैंने उसको मैं छेड़ता हूँ अक्सर, मैं कहता हूँ बेटा मेरी बेटी नहीं है, आप फ्रॉक पहन लो। तो अच्छा जी, तो सबसे पहले ये बैग है, इस बहुत प्यारा कलर है, कलर भी बहुत प्यारा है, बैग भी माशाल्लाह अच्छा बैग है, बहुत जबरदस्त, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये देखिए ये बैग है, ये पीछे से ऐसा है, पैकिंग हमारे पास, ब्लू कलर सूट बहुत प्यारा माशाल्लाह, एम्ब्रॉयडर्ड सूट है माशाल्लाह, इसका मैं आपको पीछे दिखा दूँ। और ये रहा इसका अंदाज, माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है, कलर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, तवक्कल फैब्रिक्स। और साथ ही इसमें आप ये देखिए हैंड क्रीम है दोनों। आजकल वैसे भी मैं कोई दो महीने से अपनी तो तवज्जो नहीं दे रही, तो ये है एमिनेंट का बॉडी स्प्रे है, बॉडी स्प्रे, ये एमिनेंट के मैं आगे भी बहुत सारे यूज कर चुकी हूँ। एमिनेंट असल में हमारा अपना ब्रांड है, चेज वैल्यू का अपना ब्रांड है, और ये हमारा अपना बना हुआ है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इसकी, लास्टिंग, ये इससे मिलता जुलता शैडो, आई शैडो, ये लशियस, और ये तो ज़ुल्फ़िकार साहब के लिए शोएब मलिक की जो है ना ट्रूली कोमल क्रीम है, और ये मेरे काम आएगी और बच्चों के काम आएगी अगर वो लगाना चाहें। और ये है जी क्रोसल काजल, ये मेरे पास पहले भी है ऑलरेडी, बहुत कम लगाती हूँ लेकिन ये अच्छा होता है। इसके अलावा ये लिप बाम, ये कलर बाम होता है थोड़ा सा लाइट सा पिंक कलर इससे आता है, बहुत अच्छा ये भी है, वाह वाह, इसमें खूबसूरत सी घड़ी भी है, घड़ी है ब्लैक कलर की, बहुत प्यारी, और उस पे भी जो है वो ब्राउन कलर का लगा हुआ है, क्या कहते हैं डायल, ब्राउन शेड आ रहा है, तो जबरदस्त माशाल्लाह से। खोल के देखो इसको क्या है इसके अंदर। जी तो ये कलर स्टूडियो की तरफ से एक गिफ्ट है, जो कि दो नेल पॉलिश के कलर है, बाहर निकाल के दिखाती हूँ, ये दिखाए दोस्तों का सिर्फ हाथ वो पकड़ के, ये दो नेल पॉलिश आप देख रहे हैं ये निकली है इसमें से, एक ये और एक ये, और ये लिपस्टिक कलर स्टूडियो की लिपस्टिक है, नेल पॉलिश भी कलर स्टूडियो का ही, और साथ में ये नेल पॉलिश रिमूवर, तो ये अच्छा किया इन्होंने रिमूवर भी साथ दे दिए, तो बेहतरीन हो गया, ये हो गया। एक आप ये देख सकते हैं, ये भी हैंड क्रीम है, हाँ जी ये भी एक हैंड क्रीम है, और ये डेरी मिल्क है चॉकलेट, जो मैं नहीं खाती हूँ वो मेरे घर वालों को ये भी जाएगी, एक तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मेरे घर वालों को जाएगी। ये एलोरा का ब्लश परफ्यूम है, जो कि ज़ुल्फ़िकार साहब लोगों का अपना ब्रांड है, हाँ एलोरा जो ब्रांड है और एमिनेंट भी, ये हमारे अपने ब्रांड्स हैं, चेज वैल्यू ने डेवलप किए हैं, और ये प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं कम प्राइस में, और ये परफ्यूम एक मेंस भी बनाया है और एक लेडीज़ का ये परफ्यूम है,
इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है और ये बहुत ज़बरदस्त इस वक्त चल रहा है माशाल्लाह, और बहुत कम कीमत में। बॉटल भी कितनी ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त इसकी बॉटल वॉटल और इसका डब्बा बॉक्स हर चीज़ खुद डिज़ाइन करवाई गई है। बाकी अगर चूँकि ये तो हमें गिफ्ट आया है ना, लेकिन हाँ अगर आप लोगों में से किसी को भी ये चीज़ पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ये लेना, तो डेफिनेटली आप चेंज वैल्यू की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें और इनके प्राइसेस मिल जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये बीप कर रही थी कि सिर्फ जो है वो ड्राइवर साहब को नहीं बेल लगानी, बल्कि ड्राइवर के साथ जो बैठी हुई खातून खाना है, दोशीजा है, उनको भी बेल्ट लगानी है। दशीरा ने जैसे ही बेल्ट लगाई तो वो उसको सुकून हो गया और उसने कहा थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे बाहर बैठेंगे, ये ओपन एयर में जगह है, ओपन एयर तो वो भी है लेकिन वो सराउंडेड है विद वॉल्स, उसकी साइडों पे दीवारें। ये जगह हमें पसंद आई है जी। जी खाना हमारा आ चुका है, एक आइटम रह गया है वो है अफ़गानी बोटी, वो हालांकि पहले मंगवाई जाती है एपेटाइज़र के तौर पे लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 मिनट लगेंगे। बाकी हमने मंगवाए हैं नान और पराठे के साथ, ये है चिकन मलाई बोटी, ये आप देख रहे हैं चिकन मलाई बोटी है, और ये बीफ कबाब है, नहीं ये रेशमी कबाब है, चिकन रेशमी कबाब है ये, और वो चिकन टिक्का है लेग पीस, ये शाजिया लेग पीस पसंद करती है इसलिए लेग पीस ही मंगवाया गया, साथ में सलाद है और साथ में रायता है। और अफगानी बोटी आने वाली है तो बस शुरू करते हैं खाना, अफगानी बोटी आती है वो भी आपको दिखाते हैं, मैं ज़रा हाथ धो के आता हूँ फिर हम खाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। खाना हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और अब अफगानी बोटी जो है वो भी आ गई है, फ्रेश है माशाल्लाह, और ये सिर्फ सॉल्ट लगा हुआ होता है, इसके ऊपर कोई मसाला नहीं होता, बड़े मज़े की होती है बीफ की बोटी होती है जी। बिल आ चुका हुआ है और ये मैं आपको पूरा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग देखें कि इसमें क्या कुछ अवेलेबल है, और बाकी टोटल अमाउंट 2470 रुपये, तो पेमेंट करते हैं और चलते हैं वापस घर।